हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सेहत पसंद रेसिपीज में। आज मैं आपको बता रही हूँ निमकी की रेसिपी और ये बहुत ही बढ़िया खस्ता परफेक्ट स्नैक है और बच्चों को और बड़ों को बहुत ही पसंद आता है। और जब भी आप सफर में जा रहे हो या फिर चाय के साथ खाना हो, आप इसे बनाकर रखें। 1 से 2 महीने आराम से ये स्टोर कर सकते हैं आप। और इसको बनाने के लिए जो सामग्री हमें चाहिए बहुत ही आसानी से हमें घर पे मिल जाती है। तो इसके लिए चाहिए गए हमें मैदा 2 कप, आधा छोटी चम्मच कलौंजी, कलौंजी की जगह आप अजवाइन भी यूज कर सकते हैं, आधा छोटी चम्मच जीरा, आधा छोटी चम्मच चाट मसाला, 2 बड़ी चम्मच मैदा, 2 बड़ी चम्मच देसी घी और स्वाद अनुसार नमक, मैंने यहाँ पर 1 चम्मच लिया है, और 1/4 कप तेल। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एक बड़े बर्तन में हमें 2 कप मैदा ले लेना है और इसमें डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच कलौंजी, आधी छोटी चम्मच जीरा, स्वाद अनुसार नमक और 4 से 5 बड़े चम्मच तेल। आप इसकी जगह घी का भी यूज कर सकते हैं। इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आपको मैदा इस तरीके से हाथ में लेते हुए इस तरीके से मसलना है जिसमें सभी तरफ अच्छे से तेल मैदे में लग जाए। और ये देखिए इस तरीके से ये मुट्ठी बनने लगेगी, यानी कि हमने इसमें जो तेल डाला है वो बिल्कुल सही मात्रा में डाला है। और अब इसे आप थोड़ा पानी डालते हुए मसलते जाएं, एक साथ ज्यादा पानी नहीं डालें, नहीं तो ये अगर ज्यादा सॉफ्ट हो गया तो उतनी अच्छी हमारी निमकी नहीं बनेगी। इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करें और मसलते जाएं। और इसका जो आटा हमें तैयार करना है ये बिल्कुल पूड़ी के आटे जैसा मीडियम टाइट होना चाहिए। ये इस तरीके से इसे अच्छे से 2-3 मिनट बढ़िया इस तरीके से आप गूंथें। और इस आटे को मसलने में मुझे लगा है 1/2 कप से थोड़ा कम पानी। और इसे अब हम ढककर रख देते हैं 15 से 20 मिनट के लिए अच्छे से, जिससे ये सेट हो जाए। जब तक हमारा आटा सेट हो रहा है तब तक हम निमकी के लिए हमें एक पेस्ट चाहिएगा, तो वो हम तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर 2 बड़े चम्मच मैदा ले लेते हैं और इसमें डालते हैं 2 बड़े चम्मच देसी घी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इसमें अब हम चाट मसाला डाल देते हैं, ये आधी छोटी चम्मच है तो थोड़ा सा मैं बचा रही हूँ ऊपर से डालने के लिए। मिक्स कर लेते हैं। बढ़िया सेट हो गया है, इसे एक बार और आटे को चिकना कर लेते हैं। और इसकी हमें 2 लोई बनानी है। प्लेटफॉर्म को यहाँ पर क्लीन कर लें या फिर आप चकले पर भी बना सकते हैं। और इसे इस तरीके से आप डो को लें, थोड़ा सा मैदा इस पे लगा लें और इसे आप बेलें। तो इस तरीके से आपको इसे बेल लेना है और इसकी मोटाई जो है मोटी रोटी होती है वैसी रखनी है। और इसके ऊपर अब हमें लगाना है हमने जो तैयार किया था पेस्ट, वो अच्छे से पूरी रोटी पे इसे लगा लें और इसे इस तरीके से रोल करना है और इसे इस तरीके से आपको रोल बना लेना है और इसे ऐसे एक जैसा सभी तरफ से कर लें। इसे आपको पौन से 1 इंच की चौड़ाई में इसे काट लेना है। अब इसे इस तरीके से आपको दबाना है, इसे लेयर सी इसमें बन जाएगी। सभी को दबा लेते हैं। इसे आप वापस से बेलेंगे और छोटी पूड़ी के आकार तक इसे बड़ा करेंगे। अगर ज्यादा चिपक रहा है तो आप थोड़ा सा इस पे मैदा डाल दें। अब फिर से वही पेस्ट लगा लेते हैं और इसे आप इस तरीके से हम मोड़ लेते हैं और फिर से एक बार और मोड़ेंगे और इसे ट्रायंगल शेप देंगे। तो इस तरीके से जब हम इसे 2 बार बेलते हैं और फिर रोल करते हैं तो बहुत ही बढ़िया इसमें लेयर आती है और बहुत ही खस्ता बनते हैं। और इसे आप फॉर्क से इस तरीके से इसमें छेद कर दें। इसी तरीके से बाकी सभी तैयार कर लेते हैं। और साथ में अब मैं तेल को गर्म करने के लिए रख देती हूँ। तो इस तरीके से ये एक के तो मैंने बना लिए हैं, अब दूसरे के भी बना लेती हूँ। तेल यहाँ पर गर्म हो गया है, आप थोड़ा सा आटा इसमें डाल के देख लें। और ये देखिए ये ऊपर आ गया है, यानी कि तेल गर्म हो गया। हमें ज्यादा तेज गर्म नहीं करना है, मीडियम गरम इसे रखना है जिससे कि निमकी हमारी डालते से डार्क नहीं हो जाए। ये डाल देते हैं जितनी आपके कढ़ाई में आ जाए। और इसे गैस की फ्लेम को लो ही रखना है, धीमी आंच पर ही इसे हमें फ्राई करना है। जब ये तेल में ऊपर आ जाए उसके बाद
आप इसे पलटा लें। इसे हमें दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन करना है। और इसे फिर से पलटा लेते हैं। इस तरीके से इसे दोनों तरफ से हमें लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। अब आप देख रहे होंगे ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुकी है और इसके जो ये बबल्स जो हो रहे हैं ये भी अब कम हो गए हैं, यानी कि ये बन गई है। तो इसे अब हम निकाल लेते हैं। इसी तरीके से बाकी भी निमकी को फ्राई कर लेते हैं। और इस पर अब हम ये चाट मसाला थोड़ा सा ऊपर से स्प्रिंकल कर लेते हैं। आप चाहे तो इसकी जगह मैगी मसाला भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। तैयार हो गया है हमारा खस्ता नमकीन। बहुत ही इजी है इसे बनाना और स्वाद में तो वाकई बहुत अच्छा लगता है। बारिश का मौसम है और चाय के साथ बढ़िया से खस्ता नमकीन मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। और अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फ्रेंड जल्दी सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू।